वेलकम टू ज्ञान में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, उसमें हमें बहुत फिगर भी दे रहा है। मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगा। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। The angle of elevation of top of the tower is 60 degrees from another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower. The angle of elevation of top of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower and width of the canal. तो हमें बोला है TV tower. This is our TV tower. AB is TV tower. हमें बोला है ये एक bank के canal. तो लाइक दूसरे पॉइंट है कैनाल के, वहां पे से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ क्या है 60। अब बोला इस पॉइंट से 20 मीटर और पीछे जाने पे अगर जब देखा जाता है ये रड्डी पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 30। और हमें पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मींस हमें क्या क्या फाइंड करना है। पहली चीज हमें फाइंड करनी है AB, फाइंड करना हाइट ऑफ द, दूसरी विथ ऑफ द कैनाल, विथ ऑफ द कैनाल क्या है 20। दूसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी है, हमें दो चीज फाइंड करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा हमारा, इसमें लगेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा कुछ चीजें चल जाए, पहले राइट, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। इसमें क्या होता है, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है 90 डिग्री होती है। इसके अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। अब जो इसमें कंसिडर्ड एंगल होता है, सपोज ये एंगल मैंने कंसिडर्ड किया, इसके अपोजिट वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच गई साइड या साइड एडजेसेंट टू कंसीडर्ड एंगल, इसको हम बोलते हैं बेस। ये चीज पता होनी चाहिए, अगर ये एंगल कंसीडर करूंगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो हम एंगल सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। अगली चीज आती है, इसके अलावा दूसरी जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको याद है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, यहाँ पे इस साइड देख सकते हैं हमारे पास साइन कॉस टेन कॉसेक sec cosec trigonometric angles या trigonometric functions, यहाँ पे कुछ degrees है 0 degree 30 degree 45 69, इन angles की इन particular degree पे क्या है values, वो values आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि cos में अगर cos 30 निकाला, cos में जाऊँगा 30, cos 30 की वैल्यू है 3/2, आपको याद होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ये सारे, दैट इज साइन cos और tan की 30 45 60, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है कुछ फॉर्मूलेस, जैसे कि साइन थीटा perpendicular upon hypotenuse, cos theta होता है हमारा base upon tan theta होता है हमारा perpendicular upon base। similar way देखो, tan theta का inverse होता है cot theta, cot theta होता है base upon perpendicular, इस तरह के inverse होते हैं। next sec theta होता है, ये होता है cos का inverse, उसका होता है hypotenuse upon इसका उल्टा reverse inverse। next is cosec theta, इसका होता है hypotenuse upon, ये तीन चीज पता होनी चाहिए। अब वापिस हम चलेंगे अपने क्वेश्चन वाले पार्ट, क्वेश्चन का हमने डायग्राम बना लिया। अब देखो जो भी चीज क्वेश्चन में हमें दी हुई है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी, जैसे कि हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये हाइट फंदा करनी है, ये ठीक है, हमें पता करना 30 डिग्री दे रखा है, 20 दे रखा है। तो हम पहले आप ट्राइंगल फोकस करेंगे कौन सा, सी ए बी वाला, दिस ट्राइंगल फोकस, दिस ए बी सी जो हमारा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 60 लगा, हम क्या लगाएंगे टेन 60, टेन 60 क्या होता है perpendicular upon base, tan theta ही होता है perpendicular upon base, tan 60 की value हमने देखी, जैसे कि क्या होता है root 3, perpendicular क्या है यहाँ पे AB है, perpendicular की value है AB, base क्या है BC और CB, तो आपने देखा इसमें दोनों value ही आपको पता नहीं है और दोनों value ही find करनी है, देख सकते हो आप दोनों value ही find करनी है। अब यहाँ से हम किसी एक की value निकालते हैं, suppose हम AB की value निकालते हैं, क्या आएगा CB root 3 equals to AB, एक value हमने निकाल लिया। दूसरा आप क्या लगा सकते हैं, हम दूसरा यहाँ पे लगा सकते हैं tan 30, अगेन क्या होगा, अब ट्रायंगल कौन सा लिया हमने AD, कौन सा ट्रायंगल हमारा AD, ये बड़ा वाला, इस ट्रायंगल में देखो तो tan 30 की वैल्यू होगी हमारी अगेन परपेंडिकुलर अपॉन, tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर की बात है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या अगेन क्या है सेम AB, और बेस क्या आएगा, बेस इज 20 प्लस CB, अगेन यहां से अगर मैं 20 प्लस CB अपॉन √3 इक्वल्स टू AB, और ये AB की वैल्यू ये भी आ गई, AB की वैल्यू ये भी आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 बना लेता हूं। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, ठीक है, AB यहां पे भी है यहां पे भी है, दोनों को हम इक्वेट कर दें। अब आप AB की वैल्यू क्या क्या है देखो, पहले पहले क्या CB √3 क्या हमारी वैल्यू CB
दूसरा क्या है फ्रॉम वन एंड, दोनों क्वेश्चन लेना फ्रॉम वन एंड, दूसरी वैल्यू हमारी जो है अभी की है 20 प्लस सी बी अपॉन रूट थ्री, दैट इज 20 प्लस सी बी अपॉन रूट, अब ये रूट थ्री नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मल्टीप्लाई, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री सी बी इक्वल टू 20 प्लस सी बी, अब देखो ये सी बी इधर प्लस है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा माइनस, थ्री सी बी माइनस इक्वल टू 20, थ्री सी बी में से एक सी बी गया कितना आएगा 2 सी बी, ठीक है तीन आम में से दो आम जाते हैं तो एक आम से गया, थ्री सी बी में से 1 सी बी गया तो 2 सी बी इक्वल टू 20, सी बी की वैल्यू आएगी 20/2, दैट इज हमारा सी बी तो आ गया 10, दैट मीन्स ये वैल्यू तो हमें पता चली कितनी है 10, बट हमें एक और चीज फाइंड करनी है वो कौन सी है ए बी, तो अब हम इसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में क्या है हम सी बी की जगह पुट करेंगे, सी बी की जगह पुट कर देंगे हम 10, लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ सी बी इन इक्वेशन, अब इक्वेशन वन क्या है हमारी, इक्वेशन वन बोलती है ए बी इक्वल्स टू सी बी रूट थ्री, ए बी इक्वल्स टू सी बी रूट थ्री, हमें ए बी फाइंड करना है, सी बी वैल्यू यहाँ पर हमें पता है 10 रूट थ्री, दैट मीन्स ए बी भी आ गया और सी बी भी आ गया, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 रूट थ्री, दूसरी चीज पूछी थी विथ ऑफ द कैनाल, विथ ऑफ द कैनाल क्या है बी सी, विथ ऑफ द कैनाल बी सी, बी सी की वैल्यू भी हमारी कितनी आई है दैट इज विथ ऑफ द कैनाल इज हमारा क्वेश्चन यही पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मी।